अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी स्पेशल, क्योंकि आई एम गोइंग टू विजिट माई यूनिवर्सिटी। मुझे कुछ काम भी था और इसी बहाने यूनिवर्सिटी किस तरह की दिखती है वो भी देखने को मिल जाएगा। राइट नाउ आई एम वेटिंग ऑन बस स्टॉप। बस आ गई है मेरी ऑलमोस्ट। क्राइडन से यूनिवर्सिटी का सफ़र है कोई 1 घंटे 40 मिनट्स इस तरह का ही कुछ है, और उसके बाद हमें कुछ और भी काम है तो वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अभी आपको दिख रहा होगा कि पीछे मेरे बस आ रही है, सो लेट्स गो। ये बस जो है वो इस तरह से डुअल फ्लोर है एंड वी आर गोइंग टू सिट एट द फ्रंट एंड राइट हेयर। यस, अच्छा अभी आगे से उतर के हमें एक दूसरी बस लेनी पड़ेगी, है ना, और उसके अलावा उसके बाद एक ट्रेन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो बस है उसके स्टेशन्स बने होते हैं और हर स्टेशन पे बस रुकती है, और उस स्टेशन का नाम जो है वो इधर ऊपर लिखा हुआ शो होता है। लेट मी शो यू राइट हेयर, इस तरह से। और हम लोग जो है वो फ्रंट पे बैठे हैं बिल्कुल, जहाँ से व्यू वो खैर बता रहा है एंड वी आर इन्जॉइंग दिस, क्योंकि हम लोग इस बस में भी फर्स्ट टाइम बैठे हैं। फर्स्ट टाइम तो नहीं बैठे, लेकिन ये ऊपर वाले एरिया में फर्स्ट टाइम बैठे मैं। अब जो स्टेशन है उसके बाद वाला हमारा स्टॉप है, तो इसलिए हम लोग करके नीचे आ गए हैं। ये आ गया हमारा बस स्टॉप, स्टीडन कॉमन स्टेशन बस स्टॉप, एंड यहाँ पे हम लोगों ने उतरना है। लेट्स गो। वो जो थी वो बस थी जिसमें हम आए हैं। अब हमें 10 मिनट्स की वॉक करनी है एंड उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वो बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, हमें आगे से ट्रेन लेनी है। अच्छा जी, हम लोग जो है वो ट्रेन में बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई थी दैट वाज अबाउट टू लीव, तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए बैठ गए उसके अंदर। बट वी वर कन्फ्यूज क्योंकि हम लोग अलग ट्रेन में ना बैठ गए, लेकिन आफ्टर चेकिंग द मैप वी आर प्रिटी श्योर के ट्रेन बिल्कुल ठीक है। ये है उस तरफ का व्यू ट्रेन का, जहाँ पे आपको हाउसेस दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे, और ये ट्रेन जा रही है बराबर से। ये देखिए बराबर, क्योंकि यहाँ पे रेलवे लाइन जा रही है, यहाँ पे भी घर स्टार्ट हो गए हैं। द व्यू इज़ 10 out of 10। चलो जी, ट्रेन से में हम लोग उतर गए हैं और अब नेक्स्ट हमें थोड़ी वॉक करनी है ना। कितने मिनट्स? ये थी ट्रेन जिसमें हम लोग गए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको उतर के दिखा दूँगी। अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं, सर्चिंग प्लेटफॉर्म नंबर 5, क्योंकि वहाँ से हमें मिलनी है नेक्स्ट ट्रेन। और ये भी कोई ठीक ठाक 10 मिनट की वॉक हो गई है एट द स्टेशन, सो मेरे ख्याल से आ गया है सामने। ये आ गया है प्लेटफॉर्म नंबर 5, यहाँ से नीचे जाके हमें मिलेगी हमारी ट्रेन। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, जो कि आई गेस आने वाली है। पीछे से नज़र भी आ रही है, आप लोगों को पता नहीं आया नहीं आया। ये आ गई है हमारी ट्रेन, फाइनली वी आर गोइंग इनसाइड। जी अंदर चल है, ये रही ट्रेन जिसके अंदर हम लोग आए हैं। नाउ वी आर सिटिंग हेयर, और अब हमें स्ट्रेट 30 मिनट सफ़र करना है। अगर हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 वाली को बैठते तो हमें एक बस चेंज करनी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि अब ट्रेन भी डिले हुई है और चेंज भी हुई है, तो अब डायरेक्टली हमें उतारेगी यूनिवर्सिटी के सामने। फाइनली अब कुछ और चेंज करना नहीं पड़ेगा एंड लेट्स गो। ट्रेन में हमें दिखा है ये डॉग, कितना क्यूट है यार। अच्छा, हम लोग ट्रेन से उतर गए थे और अब जो जाना है वो 10 मिनट्स की वॉक भी है, और मे बी बाय बस जा सके अगर बस का ऑप्शन हुआ तो, फॉर श्योर वी विल यूज़ बस। ये जा रही है ट्रेन जिससे भी हम लोग उतरे हैं, और यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो इस तरह जैसे आप किसी जंगल में वॉक कर रहे हो। दे आर प्रिटी गुड एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पे सब ऐसे जंगल जंगल टाइप का है। मी शो यू, ये देखें जिस स्ट्रीट में हम लोग चल रहे हैं, मेरे पीछे देखें वो इस तरह की है, दोनों तरफ इसमें ग्रीनरी है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के कितने पैसे होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो
लेट मी टेल यू, जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका एक कार्ड बनता है ऑयस्टर कार्ड, जिसमें आप मंथली प्रीमियम चार्ज कराते हो 90 pounds, और इफ़ यू आर स्टूडेंट तो 60 pounds। तो उसको फिर आप पूरे महीने में कितनी भी बार कहीं भी ट्रेन और बसेस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और लेकिन जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, तो वो वहाँ पे वो कार्ड एक्सेसिबल नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पे एक बस है जो कि कराची वाली रेड बस की तरह चल रही है, जो कि अभी न्यू बसेस स्टार्ट नहीं हुई, जब हमारे जाने का वक्त आया तो वहाँ पे भी वो बस सर्विस स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे हम लोग उतरे हैं, यहाँ से इन फ्यू मिनट्स मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो आ जाएगी, एंड लेट्स गो। ये बस स्टॉप है जहाँ पे रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी की बस भी आती है आई गेस, और ये रोहैम्पटन की जो है वो एकोमोडेशंस चल रही हैं इस तरह से आगे तक, और थोड़ा ही आगे यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी। यहीं से सीधा जाना है एंड यूनिवर्सिटी आ जाएगी, और ये आती है यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन, यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी, एंड आई गेस दिस इज़ द एंट्रेंस, सो लेट्स गो। Yes, this is the entrance. This how university looks inside. अच्छी university tour मैं आपको एक next vlog में दूंगी। तो क्योंकि वजह ये है कि भाई university tour का एक separate vlog होना चाहिए, अभी तो मैं काम से आई हूँ तो मैं आपको फुर्सत से university तो नहीं दिखा सकती, तो इसीलिए not gonna show you how university actually looks. थोड़ा सा दिखा दिया, but according to my perspective this looks lit, elite. And lit too. So we are here at the library and in a queue at enrollment help desk. From here we will get our enrollment done and VIP collection bhi yahi se hoga. Itni der wait karne ke baad finally I am the first candidate at the queue, aur bas mera number aane wala hai aur mera kaam hone wala hai. अभी जो है वो बस नहीं है, क्योंकि VRBA कार्ड मिलता है, यहाँ का क्या होता है वो मैं बाद में बताऊँगी, मगर वो कलेक्ट करने के लिए हम लोग को जाना है पोस्ट ऑफिस, उसके बाद वापस यूनिवर्सिटी, उसके बाद IT कार्ड मिलेगा। बस से उतरे हैं तो यहाँ से जब वॉक कर रहे हैं तो ये कोई चीज़ आई है, काइंड ऑफ लंदन ब्रिज, बट आई डोंट नो व्हाट्स दैट। हम लोगों को यहाँ से जो है वो पैदल चलना है, कब से चल ही रहे हैं वैसे, मैंने अभी कैमरा निकाला तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो रोशनी इस साइड है तो ये आपको दिख रहा होगा पीछे, ये देखें दूर से बैक कैमरा से इस तरह का दिख रहा है, नीचे ये लेक है और आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट आई गेस इस ब्रिज पे भी काम चल रहा है इसलिए ये बंद है, और दिस ब्रिज इज़ जस्ट इन केस टू क्रॉस दिस लेक, और ये वहाँ तक जा रहा है, लेट मी शो यू। ये पोस्ट ऑफिस है एंड वी आर हेयर फॉर द कलेक्शन ऑफ अवर BRP, एंड लेट्स सी इफ वी कुड गेट इट फ्रॉम हेयर। तो BRP कार्ड तो नहीं मिला, दे आर सेइंग दैट अवर BRP कार्ड इज़ नॉट इन द स्टॉक, यानी पहले यूनिवर्सिटी से नहीं मिला और उसके बाद BRP बेसिकली यहाँ पे टेम्प्ररी NIC का काम करता है, नथिंग मोर, तो वो मिला ही नहीं है, पोस्ट ऑफिस में भी नहीं था। Now we are going back. Same उसी रास्ते से बहुत लंबा चलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, और यूनिवर्सिटी से मैं अपना स्टूडेंट ID कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी इन केस वो विदाउट BRP दे दें, तो क्योंकि मेरी क्लासेस मिस हो रही हैं उसकी वजह से, स्टूडेंट ID कार्ड के बिना यू कैन नॉट इंटर द क्लास, सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंस है उसकी और मुझे कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी ख्वारियाँ हो चुकी हैं जब से अब तक, सिवाय मौसम के कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एज यू सी दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, इस तरह से यहाँ भी लेक है और अब दूसरी साइड के ब्रिज से वापस जा रहे हैं। ओ ये सही है, इस तरह आपको लोकेशन समझ आ जाएगी। एक्चुअली ब्रिज रिस्टोरेशन कर रही है, वरना ये ब्रिज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑन होता। सो फाइनली आई गॉट माई यूनिवर्सिटी कार्ड, एट लीस्ट BRP का तो कुछ पता नहीं है कब आएगा, बट इन केस अगर मेरा यूनिवर्सिटी का कार्ड भी मुझे नहीं मिलता तो मैं पता नहीं कैसे क्लासेस लेती, ऑलरेडी इतनी क्लासेस मैंने मिस कर दी हैं, एंड
आई एम अ क्लास कॉन्शियस एंड अटेंडेंस कॉन्शियस टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो इसलिए खैर एक प्रॉब्लम सॉल्व बट एक स्टिल पेंडिंग पे है। और अब मैं करती हूँ इस चीज़ के साथ व्लॉग एंड बिकॉज माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, अदरवाइज मैं फर्दर कैरी ऑन करती बट इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं अपने साथ अपनी चार्जिंग केबल लेके चलूँगी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। अच्छा, सेकेंडली ये कि इस व्लॉग में थोड़ी सी एक्टिवनेस वाला फैक्टर बहुत कम है मेरा और मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ, सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से आज मैं थोड़ा सोए सोए बन के मैंने व्लॉग बनाया है। बट इट्स ओके, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि जल्दी अपलोड करें, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। अल्लाह हाफिज़।